आज चाइना ग्रास बनाएंगे। चाइना ग्रास बनाने के लिए 2 ग्लास चाइना ग्रास मैंने लिया है। देखिए इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोते समय भी पानी निकालते समय फिल्टर में डाल के निकालना पड़ता है। 3-4 बार धो के देखिए ऐसा, इसको एक मोटा वाला बर्तन में ले रही हूँ। इसमें 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। देखिए 2 ग्लास पानी, और दूसरे बर्तन में दूध ले रही हूँ, 4 ग्लास दूध। 1, 2, 3, 4 ग्लास दूध, और तीसरे बर्तन में 3 केवी मिल्क पाउडर, अमूल्या मिल्क पाउडर या एवरीडे मिल्क पाउडर, तो इसको ले रही हूँ। दोनों अलग अलग बॉयल करने, दोनों गैस में रख दिया है, दूध और चाइना ग्रास। वो बॉयल होने तक ये मिल्क पाउडर को 1 ग्लास दूध डाल के ऐसे एक ही सर्कल में घुमाना है। उल्टा सुल्टा घुमाने से वो गांठ बनता है, तो एक ही जैसा ऐसा घुमाने से गांठ नहीं बनेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख लेंगे। देखिए गांठ नहीं बनता है की लेवल। अभी दूध गर्म हो रहा है, इसमें केसर डाल रही हूँ। चाइना ग्रास भी बॉयल हो रहा है, ये सब पिघल जाएगा। देखिए दूध में मिल्क मिक्स करके रखा है ना, मिल्क पाउडर, वो इसमें ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। अब इसमें चीनी डाल रही हूँ, 1 के लिए 1 ग्लास। अभी 2 ग्लास लिया है तो मैं 2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी अपने हिसाब से, मीठा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। इसमें इलायची डाल रही हूँ। देखिए ये भी मिक्स हो गया, दोनों अभी मिला लेंगे एक ही बर्तन में। अच्छी तरह से मथनी लेकर के, मथनी करना है, मिक्स करना है। डालते समय बहुत ही होशियारी से डालना है, हाथ पर चाइना ग्रास गिरेगा तो बबल्स आ जाएगा। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके देखिए कटोरी में, अलग अलग कटोरी में भी खिला सकते हैं, या एक ही बर्तन में एक ही थाली में जमा करके पीस पीस भी खिला सकते हैं। यहाँ मैं अलग अलग कटोरी में डाल रही हूँ। तो इसके ऊपर गार्निश के लिए खसखस और बादाम डाला है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है ऊपर से गार्निश के लिए डाल सकते हैं। 2 ग्लास चाइना ग्रास से 30 लोगों के लिए आराम से खिला सकते हैं। देखिए चाइना ग्रास रेडी।